यहाँ नर्मदापुरम में एक टीचर ने दरअसल देखिए छात्राओं के साथ छेड़खानी की है। अब आप बताइए कितनी शर्मनाक करतूत है। ऐसे में क्या लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? और जाहिर सी बात है जब लोगों को गुस्सा आया तो क्या कुछ हुआ, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक टीचर की पिटाई का मामला सामने आया है। टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है। इस मामले को लेकर गाँव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। आक्रोशित गांव वाले सरकारी स्कूल पहुंचे और टीचर को बाहर निकालने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस ने शिक्षक को बाहर निकाला, गांव के लोगों ने शिक्षक रंजीत किरार को घेर लिया और मारपीट की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस किसी तरह बचाते हुए शिक्षक को थाने ले गई। आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। रंजीत किरार करके शिक्षक है, वो माध्यमिक शाला है और वहाँ ये शिकायत आई है कि उन्होंने कुछ बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की है, उनके साथ बैड टच किया है और उनको कुछ अश्लील शब्द कहे हैं। ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की है। बच्चियों को बैड टच करना, उल्टी सीधी आसन बताना, मोबाइल से उल्टी सीधी चीजें दिखा रहा था बच्चों को, जो गाँव वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और गाँव वालों का ये कहना है कि अगर कल तक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो BRC का और सब जगह का हम कल सुहागपुर जाकर हड़ताल करेंगे और घेराव करेंगे। फिलहाल आरोपी टीचर को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। बच्चों से अलग बातचीत की गई है और टीचर जो है रंजीत जी, उनके खिलाफ में जो भी नियमानुसार कार्रवाई है FIR दर्ज हो चुकी है और उनके निलंबन के लिए भी, चूँकि यहाँ पर वो फिलहाल पढ़ा तो नहीं पाएंगे।